अस्सलाम वालेकुम। पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो सबको। पहली सहरी हमेशा ही थोड़ी सी अनप्लान्ड होती है, इसलिए मैंने भी खाने में आज सच कुछ ख़ास नहीं बनाया हुआ था। तो मैंने अंडे पराठे का सोच लिया था कि सहरी में अंडा पराठा खाएंगे। उसके लिए मैंने आटा गूंद लिया था और साथ में मैंने ऑमलेट के लिए जो है वो प्याज कट कर लिए थे। हमारे यहाँ पर रोज़ा जो है वो 14 घंटे का है। हम जब सहरी के लिए उठे तो हमें पता चला कि पाकिस्तान में भी रात को लेट चांद नज़र आ गया था। ये पहली सहरी का छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था। रोज़ इस टाइम पे व्लॉग बनाना जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। व्लॉग इसलिए भी आराम से बन गया था क्योंकि अशद सो रहा था। यहाँ पे मैं अजीम के लिए पराठा बना रही थी। अजीम ने कहा था कि मैं एक पराठा ही खाऊंगा और मैं बिल्कुल सादी रोटी खाती हूँ छोटे से साइज़ की, और मैं जो रमज़ान में ऑमलेट खाती हूँ वो भी बिल्कुल प्लेन खाती हूँ, ऑमलेट में प्याज वगैरह नहीं डालती। लेकिन अजीम को हरे प्याज वाली ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था इस टाइम, तो मैंने जो है वो दूसरे प्याज के साथ ही बनानी है। वैसे तो हमें नमाज़ का टाइम पता होता है, लेकिन रमज़ान में जो है वो थोड़ा एक्यूरेसी चाहिए होती है कि किस टाइम पे अज़ान होगी, क्योंकि हमने खाना पीना बंद करना होता है। इसीलिए मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी से बना लूँ और हम लोग खा लें। अज़ान के टाइम पर जब भाग दौड़ होने लग जाती है ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है और अजीब सी घबराहट होती है, गुस्सा भी आने लग जाता है। तो इसलिए मुझे होता है कि सुकून से पहले ही हर चीज़ जो है वो हो जानी चाहिए। मेरी शुरू से यही रूटीन है कि सहरी के जो बर्तन हैं वो उसी टाइम उठा लेने चाहिए, वरना उठने के बाद जब वो नज़र आ रहे होते हैं ना तो दिल को कुछ होने लग जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे बर्तन समेट रही थी। अभी अज़ान होने में तकरीबन कोई 5-7 मिनट थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी बर्तन उठा लेती हूँ और उसके बाद जो है वो पानी पी के रोज़ा रख लेंगे। यहाँ पे मैं किचन नीट कर रही थी क्योंकि उठने के बाद अशस के साथ उसको नाश्ता वगैरह कराना है, उसको खाना वगैरह खिलाना है और फिर अफ्तारी की भी तैयारी करनी होगी। इसलिए जब मैं सो के उठूँगी तो किचन जो है वो नीट होगा और काम करना भी आसान होगा। आप लोग भी कमेंट में अपनी सहरी की रूटीन लाजमी शेयर करिएगा कि आप लोग क्या खाते हैं और आप लोग नीट करके सोते हैं या उठ के करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। डेली रूटीन वगैरह देखने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें। असल में मैंने ये व्लॉग सुबह सहरी के बाद ही अपलोड कर दिया था विदाउट वॉइस ओवर, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो इस वजह से आई हैड टू डिलीट दैट वीडियो और मुझे वॉइस ओवर करना था, और वॉइस ओवर करने के लिए मुझे साइलेंस चाहिए होता है जो कि अशस के जागते में नहीं मिल सकता। फजर की अजान से पहले ही तकरीबन मेरा सारा काम हो गया था। मैंने लॉबी को भी नीट कर लिया था ताकि सुबह जब उठूँ तो मेस ना हो। फजर की नमाज़ के बाद मैंने थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद मैं सोई थी, और एज़ पर डेली रूटीन अशस 10:30 बजे उठ गया था तो मुझे भी उसके साथ ही उठना पड़ा। उठते साथ ही मैंने सफ़ाई कर ली थी और साथ में अशस को नाश्ता करवा दिया था ताकि मैं जो है वो थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ सकूँ और नमाज़ भी टाइम से पढ़ लूँ। बच्चों के साथ इबादत करना इतना मुश्किल हो जाता है, ना नमाज़ पढ़ने देते हैं ना कुरान पढ़ने देते हैं। जो भी हो रहा होता है बस जल्दी जल्दी हो रहा होता है कि नमाज़ जल्दी जल्दी से पढ़ लो, कुरान जल्दी जल्दी से पढ़ लो, बच्चों को खाना खिलाना है, बच्चों को देखना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।